बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक नाज़रीन। आज का प्रोग्राम हमने एक ऐसे जगह पे किया जहां इंसाफ के लिए लोग आके इंसाफ के लिए दस्तक देते हैं। हमने FIR डिस्कस की। FIR क्या थी वकला साहबान ने बताया। हमारे साथ मुअज्ज़ज़ फीमेल लॉयर्स थी, बहुत ही सीजनड लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। लोगों को इंसाफ के लिए, सस्ता इंसाफ के लिए जो हुकूमत आती है वादा करती है, जो तमाम जज साहबान हैं, अदलिया है, आला अदलिया है, उनकी ख्वाहिश भी है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हुक्मरानों की भी ख्वाहिश है, कहाँ रोड़े अटक रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, नैब को क्या दिक्कतें आ रही हैं, नैब क्या कर रही है, नैब आगे लोगों के साथ क्या, क्योंकि नैब बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो कहाँ तक लोगों के साथ इंसाफ करती है। और FIR तक, पर्चा दर्ज करने से पहले जो मराहल आते हैं उन तक पहुंचने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन के जो मेयर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो ठीक लिए जाते हैं। इस पे हम इस तरह प्रोग्राम जारी रखेंगे और इस अवेयरनेस की वजह से इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा मुल्क तरक्की करेगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा और इंसाफ भी हमारी तवक्को है कि सस्ता मिलेगा। और यकीनन एक ऐसी स्टेज आएगी कि जिस तरह सऊदीया में या दूसरी अरब इमारात में हफ्ते के बाद सर कलम कर दिया जाता है, खुदा करे इसकी नौबत ना आए और पाकिस्तान में हुक्मरानी हो, कानून की कानून का बोल बाला हो, आवाम सुख का सांस लें, पाकिस्तान तरक्की करे और हमारा नाम रोशन हो। अगले प्रोग्राम तक कैमरामैन अली रज़ा नकवी और यकूब जावेद कमियाना को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।